तो दिल्ली में पकड़े गए आईसिस मॉड्यूल पर काम करने वाले 3 आतंकी और आतंकियों का प्लान है। बड़ा खुलासा हुआ, इन आतंकियों के टारगेट पर शिलान्यास से पहले राम मंदिर था, अक्षरधाम मंदिर, साथ ही निशाने पर थे हिंदू नेता। आने वाले त्योहारों के सीजन में आतंकी बड़ी साजिश रच रहे थे, अगर पकड़े नहीं जाते तो उनकी प्लानिंग देश में 26/11 से बड़ा हमला करने की थी। रिपोर्ट देखिए। आईसिस की साजिश और आईएसआई का हाथ। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हुई आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि इन आतंकियों के टारगेट पर राम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, हिंदू नेता और आने वाला त्योहार का सीजन था। आतंकी रिजवान लखनऊ से गिरफ्तार, आतंकी मुरादाबाद से गिरफ्तार, आतंकी शाहनवाज दिल्ली से गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली से आई ये खबर की आज पूरे देश में चर्चा है। दिल्ली में आईसिस के मॉड्यूल पर काम कर रहे आतंकी की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। देश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल राम मंदिर आतंकियों के टारगेट पर था। इन आतंकियों के निशाने पर अक्षरधाम जैसे मंदिर भी थे। देश में 26/11 से भी बड़ा हमला करने की प्लानिंग की जा रही थी। देश के कुछ बड़े हिंदू नेताओं को भी निशाने पर लिए जाने की तैयारी थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शहनवाज आलम को गिरफ्तार किया है। अब वो पुलिस के रिमांड पे हैं। एनआईए ने उसके ऊपर 3 लाख का इनाम रखा था। घोषित आतंकवादी के रूप में लगातार शहनवाज की तलाशी की जा रही थी, क्योंकि वो फरार था और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ठिकानों पे उसकी तलाशी की जा रही थी। लेकिन इस तलाशी के बीच में अब जो सेल है उसने जैतपुर के इसी इलाके से शहनवाज को गिरफ्तार किया है, जो कि यहाँ छिपा हुआ था। इससे पहले शहनवाज 2016 में यहां पहुंचा था और शाहीन बाग के इलाके में रुका था, जहां उसकी मुलाकात रिजवान से हुई थी और वहीं पे ये दोनों जो हैं वो आईसिस के संपर्क में आए थे। फरहतुल्ला गौरी नाम का जो हैंडलर है, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो अक्षरधाम मंदिर का जो मास्टरमाइंड है, वो भी इनके जो हैंडलर है उसके टच में आया। और इसके बाद उसका दामाद और फरहतुल्ला, ये दोनों मिलकर जो है ये यहाँ पे एक प्लान करने लगे। देश में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की तैयारी कर रहे ये आतंकी काफी पढ़े लिखे थे। शाहनवाज आलम एनआईटी विश्वेश्वरैया नागपुर से माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहा है। गिरफ्त में आया मोहम्मद अरशद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। इसके अलावा इसने जामिया मिलिया इस्लामिया से एमबीए किया है। जामिया से ही अरशद इस वक्त पीएचडी कर रहा है। पुलिस के हत्थे चढ़ा मोहम्मद रिजवान ने नोएडा के कॉलेज से 2017 में आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। काफ़ी अरसे से ये लोग लगे हुए थे और इन्होंने तमाम मटेरियल भी इकट्ठा किया हुआ था। और तीनों बीटेक हैं, इंजीनियर हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो भी वेल क्वालिफाइड है, और जो मोहम्मद शाहनवाज है तो बीटेक इन माइनिंग है, इसको एक्सप्लोसिव्स वगैरह की अच्छी नॉलेज है। और मोहम्मद रिजवान अशरफ भी जो है वो कंप्यूटर साइंस में है और डॉक्टरेट कर रहा है, तो काफ़ी इनको नेट से भी इन्होंने लिटरेचर लिया हुआ था। इसके अलावा इनके पास बहुत सारी डेडिकेटेड जो ऐसी तंजीमें हैं जो कि कुछ ना कुछ करवाना चाहती हैं, उनकी ओर से भी तमाम इनको गाइडेंस थी। अरशद को पुलिस ने यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। सदर कोतवाली से गिरफ्तार किए गए आतंकी मॉड्यूलर अरशद वारसी की ससुराल में आज फिर से जांच एजेंसियों की टीम पहुंची। 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक जांच एजेंसी सदर कोतवाली के लाल मस्जिद इलाके में मौजूद रही। दिल्ली पुलिस और एजेंसियों ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद से भी अरशद वारसी नाम का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। हम इसी इलाके में है, ये मुरादाबाद का लाल मस्जिद एरिया है, कोतवाली क्षेत्र है, ये फिलखाना एरिया है। यही पीछे गली से अरशद वारसी को उठाया गया है। भारत में हमले की साजिश रचने के लिए एक बार फिर आईसिस पाकिस्तान का नापाक कनेक्शन सामने आया। सूत्र बता रहे हैं कि गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज समेत 3 आतंकियों ने खुलासा किया है कि उनका हैंडलर आतंकी फरहतुल्ला गौरी है, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। भारत से फरार होकर पाकिस्तान में बैठा फरहतुल्ला गौरी आईसिस के नाम पर भारत के नौजवानों को ऑनलाइन जिहाद के लिए रेडिकलाइज कर रहा है। फरहतुल्ला गौरी 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले का आरोपी है। 2002 में गौरी ने हैदराबाद में एसटीएफ ऑफिस में सुसाइड अटैक कराया था। आतंकी शाहनवाज फरहतुल्ला गौरी के हाथों की कठपुतली था। फरहतुल्ला गौरी अभी पाकिस्तान में है,
फरतुल्ला आईएसआई के इशारे पर काम करता है, जिहाद के नाम पर मुस्लिमों को भड़काता है। फरतुल्ला गौरी 2002 अक्षरधाम मंदिर में हमले का आरोपी है। इसके साथ ही वो हैदराबाद एसटीएफ दफ्तर पर हमले का आरोपी है। भारत के घोषित आतंकियों की लिस्ट में फरतुल्ला का नाम शामिल है। फरतुल्ला गौरी जो है, जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, इनका हैंडलर है, जो अक्षरधाम जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसका मास्टरमाइंड है, और उसका जो दामाद है वो भी सैफी, ये दोनों मिलके यहाँ पे दिल्ली में जो है वो उनको कमांड देते थे, और अपने पाकिस्तान में बैठे आका से जो गौरी है उससे कमांड लेकर फिर वो यहाँ पे काम करते थे। इसके अलावा उन्होंने कई सारे हाइड आउट्स जो है वो भी बनाने शुरू कर दिए थे, चाहे हैदराबाद हो या फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, कहाँ वो छिप सकते हैं, कहाँ वो प्लान कर सकते हैं, ये हाइड आउट्स भी जो है वो बनाने शुरू कर दिए थे। आतंकी मोहम्मद रिजवान की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई, लेकिन जिस जगह वो रहता था वहाँ पर रह रहे लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका पड़ोसी इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शहनवाज समेत दो आईएसआई मॉड्यूल के आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक का नाम मोहम्मद रिजवान है, जो लखनऊ कैंबल इलाके में इसी घर में रहता था। कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है उसने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ था और मौलवी की कोर्स भी उसने किया हुआ था। 8 दिन पहले वो इसी मकान में रहने के लिए बतौर किरायेदार आया था, लिहाजा आसपास के लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे किराए पे रहता था। स्पेशल सेल की पुलिस, दिल्ली पुलिस के सेल ने उसे यहीं से गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि ये जो आईएसएस मॉडल था उसके लिए तीनों काम कर रहे थे। शहनवाज जो था वो मास्टरमाइंड था, और जो मॉड्यूल था आईएसएस का उसको उसका हैंडलर जो था वो पाकिस्तान का था, और इसी उम्मीद में वारदात को यहाँ अंजाम दे सकते हैं। ये तमाम जो लोग थे वो उन्हें दिल्ली पुलिस सेल ने गिरफ्तार किया है। देश की अलग अलग जगहों पर हुई आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, देहरादून, अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ और प्रयागराज में भी छापेमारी की जा रही है। देश में आईएसआईएस नेटवर्क और आईएसआईएस की साजिश के खुलासे के बाद एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ये वायरल ऑडियो भारत में आतंकियों के हैंडलर फरातुल्ला गौरी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें वो मुस्लिमों को भड़का रहा है। लखनऊ से एक भाई का सवाल है कि तकरीबन हर रोज़ गिरफ्तारियां अमल में आती है, मुसलमानों को जिहादी सरगर्मियों में जाहिर करते हुए हर कुछ दिन बाद गिरफ्तारियां अमल में आती है, तो इन हालात में अगर हम सरगर्मी अख्तियार करें तो किस तरह हम अपनी सरगर्मी को अंजाम दे सकते हैं। मेरे ज़ाती मुशाहदे और तजुर्बात की रोशनी में मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की पुलिस और इंटेलिजेंस इतनी फाल नहीं है जितनी हमें जाहिर की जाती है, हमें बताई जाती है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ तो बेजा ना होगा कि हिंदुस्तान की पुलिस और इंटेलिजेंस दुनिया की नाअहल तरीन पुलिस और इंटेलिजेंस शुमार होती है। शुमाली हिंद के मुजाहिदीन बाटला हाउस के मुकाम पर इनकाउंटर में सख्त मुकाबला करने के बाद वो हिंदुस्तान के हसास तरीन इलाकों से होते हुए शाम और अफगानिस्तान पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अपनी शहादत को तलाश किया। अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत के रुतबे पर फायज किया। आतंकी नेटवर्क का खुलासा होने के बाद अब एनआईए को शाहनवाज की पत्नी की तलाश है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज की पत्नी पहले हिंदू थी, जिसका नाम बसंती था, और शादी के बाद वो बसंती मरियम बन गई। बताया जा रहा है कि शादी के बाद शाहनवाज ने अपनी पत्नी को रेडिकलाइज किया। शाहनवाज की पत्नी कई आतंकी ऑपरेशन में शामिल भी थी। बड़े बड़े जो खुलासे हैं वो लगातार हो रहे हैं इस पूरे मामले में, लेकिन जिस तरीके से जो टारगेटेड कहा जा रहा था कि नॉर्थ इंडिया के अंदर ये प्लान कर रहे थे, उसको एक बड़े मॉड्यूल को कहीं ना कहीं जो स्पेशल सेल है जो उसने बर्स्ट किया है, और खास करके वो इस को जो है वो रहने के लिए सेलेक्ट करते थे जहां पे घनी आबादी हो, भीड़ भाड़ का इलाका हो, ताकि किसी भी तरीके से वो जो है किसी के संपर्क में ना आ सके, और लगातार जो एक कहते हैं छलावा जो है वो लगातार पुलिस को देते रहे। लेकिन अंततः जो सेल है उसने गिरफ्तार किया है, और अब वो पुलिस के रिमांड पे है जहां उनसे पूछताछ की जा रही है, और देखना यह होगा कि इस पूछताछ में क्या कुछ बातें निकल के सामने आती हैं और क्या कुछ जो खुलासे हैं वो जो शहनवाज और रिजवान है उसके साथ साथ एक और शख्स इस पूरे मामले में करता हुआ नजर आता है। पकड़े जाने के बाद इन आतंकियों ने जो खुलासे किए उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन लोगों के टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करना है।
क्योंकि अगर इनका कोई भी साथी खुला घूम रहा है तो वो किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे सकता है। पुलिस को इन आतंकियों के पास से पिस्टल, कारतूस समेत कई साहित्य बरामद हुए। जांच एजेंसी एनआईए अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिर कैसे ये तीनों आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आका के संपर्क में आए और कैसे इनको फरातुल्ला गाइड करता था। साथ ही एजेंसियां इस बात को भी पता लगाने में जुट गई हैं कि आईसिस के मॉडल पर काम करने वाले आतंकी आखिर किन किन और लोगों के संपर्क में थे। इन लोगों से होने वाली आगे की पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।